वहीं मुद्दतों बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने शराबबंदी के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। अपने विधानसभा क्षेत्र में दलित समुदाय को संबोधित करने पहुंचे मांझी ने आह्वान किया कि वोट उसी को दें जो दारू को रोक सके। सवाल है कि क्या जीतन राम मांझी वही कह रहे हैं जो बीजेपी चाहती है? क्या जीतन राम मांझी का बयान एनडीए का मिशन 40 का हिस्सा है? चुनाव में चाहे हम जैसे भी आएंगे, उनके बिहार में घूम घूम करके गरीबों को हम कहेंगे कि जो दारू बालू और ताली पर प्रतिबंध है, इसको जो हटावेगा उसी को आप लोग वोट दें। शुरुआत शराबबंदी से हुई, लेकिन जल्द ही जुबान पर बालू और ताड़ी भी आ गई। जनता के बीच पहुंचते ही जीतन राम मांझी महादलितों के हक का गीत गाने लगे, पुलिस पर माफियाओं से साठगांठ का इल्जाम लगाने लगे, गरीबों पर जुल्म ज्यादती का इल्जाम लगाने लगे। लब्बोलुआब ये कि अगर शराब पर प्रतिबंध से कोई समुदाय विशेष सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है तो वो कोई और नहीं बल्कि दलित समुदाय है, वही समुदाय जिसमें मांझी हुए हैं। शराबबंदी तो है ही नहीं, कानून है, कानून है, कानून बनाए हैं अपने मुंह मुया मिट्ठू जो बने, लेकिन शराबबंदी नहीं है। शराबबंदी के पक्ष में हम लोग भी रहे हैं, हम लोग भी उस समय थे और कहा था कि शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन जो उसका क्रियान्वयन हो रहा है वो सिर्फ गरीबों के लिए चल रही है बात, और गरीबों को ही प्रताड़ित किया जा रहा है, शराब के केसों में फंसाया जा रहा है, उनसे जुर्माना लिया जा रहा है, लेकिन बड़े बड़े जो तस्कर हैं वो तो मौज कर रहे हैं और मौज कर रहे हैं। जीतन राम मांझी जब नीतीश के साथ थे तभी शराबबंदी पर सवाल उठा रहे थे, गरीबों और दलितों पर पुलिसिया जुल्म का आरोप लगा रहे थे, लेकिन ये भी सही है कि अक्सर वो अपने बयानों से पलटते भी रहे हैं। शराबबंदी लागू करने के तौर तरीकों पर बीजेपी भी सवाल ही रही है, लेकिन बीजेपी ने कभी भी खुले तौर पर शराबबंदी का विरोध नहीं किया। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बीजेपी जो बात अपनी जुबान से नहीं कह पाई वो मांझी के मुंह से बुलवा रही है? नीतीश कुमार ने और नीतीश कुमार की सरकार ने, खास करके अभी जो घमंडिया गठबंधन की सरकार है, उसने निश्चित रूप से शराब और बालू की नीति का भारी दुरुपयोग किया है। वो किसी भी तरीके से इस नीति को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। सच्चाई मायने में इन्होंने इसको पूरा मिसहैंडल किया है। तो इन नीतियों की समीक्षा तो होनी आवश्यक है, बिहार के लिए, बिहारियों के लिए, बिहार में कानून व्यवस्था के लिए, बिहार में वित्तीय प्रबंधन के लिए, इन सारी नीतियों की समीक्षा अति आवश्यक है। अगर बीजेपी 2025 में सत्ता में आई तो शराबबंदी की समीक्षा होगी। बीजेपी के इस बयान से आपको कहानी का मजमून समझ में आने ही लगा होगा, यानी अपनी जुबान से समीक्षा की बात और सहयोगियों की जुबान से शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग। साफ है कि एनडीए में शराबबंदी को लेकर कोई खिचड़ी तो जरूर पक रही है। ये तो बात भारतीय जनता पार्टी को क्लियर करना होगा कि जीतन राम मांझी जी जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं उनका राग उल्टा बहने लगा और वो शराबबंदी खत्म करने की बात करने लगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग स्पष्ट करें कि क्या वो शराबबंदी नहीं चाहते हैं, क्या वो बालूबंदी नहीं चाहते हैं, क्या वो अन्य जो अवैध कार्य हो रहे हैं उनको रोकना नहीं चाहते हैं। अगर इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है तो स्पष्ट रूप से स्वयं सामने आकर के बोले, किसी को माध्यम ना बनाए। बिहार में शराबबंदी कानून 2016 में लागू हुआ था, तब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और बीजेपी विपक्ष की भूमिका में थी। सत्ताधारी महागठबंधन के साथ विपक्षी एनडीए ने भी शराबबंदी कानून का समर्थन किया था, एक बड़ी मानव श्रृंखला बनी थी, विश्व रिकॉर्ड भी बना था। हालांकि शराबबंदी कानून अब काफी लचीला हो चुका है, लेकिन नीतीश सरकार के मंत्री एक बार फिर शराबबंदी के फायदे गिना रहे हैं। जो अधिकांश लोग हैं 80% से ऊपर, 85% से ऊपर और महिलाएं 95% से ऊपर शराबबंदी का समर्थन करती हैं और इससे फायदे भी हुए हैं, और खास करके महिलाओं का या परिवारों का रहन सहन में सुधार आया है, उनके जो आय है वो बढ़ी है, जो रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं खास करके कपड़ों पर या खाने पर, इन सब चीज़ों पर बेहतरी हुई है। बिहार में पिछले 7 सालों से शराबबंदी है, ये सच्चाई है, लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि पूरे राज्य में शराब की तस्करी जमकर हो रही है और एनडीए चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाकर सियासी फायदा उठाना चाहती है, कथित तौर पर शराबबंदी की वजह से सताए गए समाज को साधना चाहती है। यूं तो पहले भी, यानी जीतन राम मांझी जब नीतीश कुमार के साथ थे तब भी शराबबंदी कानून खत्म करने की बात अक्सर हां कहा करते थे, लेकिन अब
परिस्थितियां बदल गई है। अब जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ हैं और एनडीए में हैं, यानी अब भी जीतन राम मांझी बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करने की बात कर रहे हैं, यानी स्पष्ट है उन्हें बीजेपी के तरफ से हरी झंडी मिल गई है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24।